मैंने झूठ बोला, लोकसभा में झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने जानबूझकर झूठ बोला और मंत्री जी को कहा कि जाओ इसके घर पे। मैंने सोचा कि करार साहब तुम आएंगे पार्लियामेंट के अंदर और बोलेंगे कि ये खासदार के ऊपर एक्शन लो, इसने झूठ बोला। हम 250 नहीं 500 रुपये देते हैं, चुकी ची माहिती दिली, खोटा बोलो नहीं, उद्देश्य खोटा बोलो, ऐसा लूट कर खा रहा है, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं रजिस्टर किया गया है। देख जे कष्ट करत आहे त्यांना कशा प्रकारचे अन्याय होत आहे ते मला जाणीव असल्यामुळे मी आज हे मुद्दा लोकसभेमध्ये उपस्थित केला आणि दुर्दैव याचं वाटतं की आज देशामध्ये चाललं काय आणि हे गोरगरीब कर्मचाऱ्यांना कामगारांना कशा त्यांच्यावर अन्याय होत आहे। या देशामध्ये 8.5 लाख कोटी रुपये, विचार करा, मी जे आकडा आपल्याला सांगत आहे 8 लाख कोटी म्हणजे पूर्ण आकडा सांगायचा असेल 1,48,186 करोड रुपीज, इतका कर्ज जे मोठा मोठे मोठे उद्योगपतींनी घेतले होते 8.5 लाख कोटी रुपये, ते कर्ज माफ करण्यात आलेले आहे, सरकारनी ते कर्ज माफ केलेले आहे, ते पैसे ते मोठे उद्योगपतींकडून ते घेऊ शकत नाही, तर त्यांना एक शब्द वापरण्यात आलेला आहे की आम्ही हे लोन राईट ऑफ करत आहे। आणि जेव्हा मी देशाचे वित्त मंत्री फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मॅडमला हे प्रश्न विचारलं लोकसभा मध्ये की हे कोण लोक आहे की ज्यांचे पैसे ज्यांनी वेगवेगळ्या बँकेतून कर्ज घेतले होते, हजारो कोटींचे कर्ज घेतले होते, आणि हे कोण लोकांचे कर्ज तुम्ही माफ केलेले आहे, तर आपल्याला आश्चर्य वाटेल की लिहित मध्ये वित्त मंत्रीने उत्तर दिले लोकसभा मध्ये की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया RBI ने सरकारला सांगितलेलं आहे की आम्ही तुम्हाला हे जानकारी देऊ शकत नाही। जेव्हा लिहित मध्ये हे उत्तर माझ्याकडे आलं तर हे विचार करण्याची गोष्ट आहे की सरकार जे सर्वोपरी असते, सगळं सुप्रीम असते, केंद्र सरकार म्हणजे देश चालवणारी सरकार असते, त्याची मंत्री म्हणतो की नाही, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितलेली आहे की हे कर्ज आम्ही कुणाला दिलेले आहे याची तपशील आम्ही देऊ शकत नाही। 8.5 लाख कोटी, मी आपल्याला चॅलेंज करतो, एक ही माणूस इथे असेल नसेल की ज्याला हे माहित असणार की 8.5 लाख कोटी मध्ये किती शून्य येतात, मलाही माहित नाही। इतका मोठा आकडा आहे। अब ये सवाल जब मेरे सामने आया तो मेरे मन में एक बात आई कि या तो वो मंत्री मुझे बेवकूफ समझती है या
मैंने उस वक्त मैंने अपने भाषण के अंदर यह कहा कि अगर मैं या तुम में से कोई भी एक 10 लाख रुपए का कर्ज लेता है और उसकी परत फिर 2 महीने के लिए नहीं होती है तो बैंक वाले बड़े बड़े दांडगे लोग बाउंसर्स को भेज के तुम्हारी मोटरसाइकिल उठाओ, घर में आकर जबरदस्ती करके लोन का पैसा लो, धंधा ठीक करो, 10 लाख रुपए का लोन और ये 8,50,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर देते हैं सरकार और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमने ये पैसा किसको दिया है। ऐसे हालात के अंदर जिस दिन ये जवाब मुझे मिला तो मेरी आंखों के सामने मेरी ये बुजुर्ग मां जो यहां पर मैंने अभी बुलाया हूं या कटू ही मां जी आई सुलोचना गडप्पा नाव आहे तिचा सुलोचना गडप्पा लाज वाटेल आपल्या सगळ्यांना एकटी राहती आहे ती माझ्याकडे आली होती अनेक वर्ष काम केलेली किती वर्ष काम केले 20 वर्ष काम केली पेन्शन मिळत किती पेन्शन मी लोकसभेमध्ये सांगितलं तिचे नाव घेऊन माझे केंद्रीय मंत्री औरंगाबादचे डॉक्टर भागवत कराड साहेब बसले होते मी डॉक्टर साहेबांना उद्देशून सांगितलं लिहा नाव देतो मी तुम्हाला लिहा नाव सुलोचना गडप्पा ही औरंगाबाद मध्ये राहणारी एक म्हातारी बाई 20 वर्ष काम करून तिला पगार मिळते किती पगार मिळते मी पार्लमेंट मध्ये लोकसभा मध्ये चुकीची माहिती दिली खोटं बोललो मी उद्देशून खोटं बोललो मी म्हटलं की हे सुलोचना गडप्पाला सरकार 250 रुपये महिना देतो आणि मी मंत्र्यांना सांगितलं की तुम्ही जा त्याचा घराकडे जा आणि विचारा की 250 रुपये मध्ये महिना मध्ये ती कशा जीवन जगत असेल मैंने झूठ बोला लोकसभा में झूठ नहीं बोल सकते लेकिन मैंने जानबूझकर झूठ बोला और मंत्री जी को कहा कि जाओ इसके घर पे और पता करो कि ये 250 रुपये में कैसा जीवन जगती है मुझे मालूम है कि वो उसके घर पे कभी जाएंगे नहीं और अगर जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इम्तियाज जलील ने लोकसभा के अंदर झूठ बोला था सच्चाई यह है कि यह सरकार इसे 250 रुपये नहीं बल्कि महीना 500 रुपये देती है मैंने सोचा कि करार साहब तुम आएंगे पार्लियामेंट के अंदर और बोलेंगे कि यह खासदार के ऊपर एक्शन लो इसने झूठ बोला हम 250 नहीं 500 रुपये देते हैं ₹500 आप सोचिए आज के इस दौर में ऐसे कितने ऐसे बुजुर्ग महिलाएं होंगी जो ऐसा जीवन जग रही होगी मैं यहां के नेताओं से यह कहता हूं एक महीना मैं तुम्हें 5,000 रुपये देता हूं महीना जी के बताओ कैसा जी सकते हैं दोस्तों उस दिन जिस दिन मुझे यह बताया गया कि हमें पता नहीं कि 8.5 लाख करोड़ रुपए किसको दिया गया मुझे इस बुजुर्ग महिला की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई और उसी दिन मैंने तय किया कि अब ये लड़ाई मैं लेकर जाऊंगा सड़क के ऊपर अब ऐसी कितनी सुलोचना गडप्पा जैसी महिलाएं हैं
बुजुर्ग है, इनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और मैंने एक शुरुआत की, मैं पिछले 2 महीने से जितने सरकारी दफ्तर है उन तमाम सरकारी दफ्तरों से पूरे कागजात हासिल किए, महानगर पालिका से, MSEDCL के ऑफिस से, PWD से, आदरणीय कलेक्टर साहब जहां बैठते हैं उनके नीचे सेतु में काम करने वाले कामगार हो, घाटी में काम करने वाले कामगार हो, कोई भी सरकारी दफ्तर ले लीजिएगा, हर जगह यही चल रहा है कि अब सरकार तुम्हें नौकरी पे लेगी नहीं तो क्या किया जाए, ठेका दे दिया जाए किसी को। वो ठेकेदार कौन है तो किसी अधिकारी का रिश्तेदार, किसी अधिकारी का पार्टनर, या किसी आमदार, किसी खासदार, किसी मंत्री या किसी नेता का रिश्तेदार। महानगर पालिका में मैंने जब पूरी जानकारी हासिल की, मुझे यकीन नहीं हुआ कि हम इस लोकतंत्र के अंदर जी रहे हैं या यहां पर हुक्मशाही चल रही है। इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप है, हुक्मशाही है, या हम लोकशाही के अंदर जी रहे हैं। कितने कामगार हैं जो 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे, पगार कितनी, तो 8,000, 8,500, 9,000। महानगर पालिका दे रही है ठेकेदार को कितने, पूरे आंकड़े निकाला, प्रोविडेंट फंड PF कमिश्नर के साथ बैठा, 3-3 मरतबा उनके साथ मीटिंग लिया, और मैंने उनसे कहा कि अगर कायदा है, कानून है, तो तुमने म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ FIR क्यों नहीं रजिस्टर की। अगर कायदा है, कानून है, तो जो ठेकेदार ये गरीब लोगों का, ये मजदूरों का, ये कामगारों का पैसा लूट कर खा रहा है, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं रजिस्टर किया गया। लेबर कमिश्नर, कामगार आयुक्त, उनके साथ मीटिंग किया और मैंने उनको ये बताया कि ये जो दफ्तर है कामगार आयुक्त का, किसी ठेकेदार को बचाने के लिए नहीं है, किसी अधिकारी को बचाने के लिए नहीं है, ये दफ्तर, ये ऑफिस इसीलिए खोला गया है कि तुम कामगारों के